गाइस कैसे हैं आप लोग। तो शुरू हो चुके हैं फाइनल प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स की। डेट शीट आउट हो चुकी है, कल आप सब देख चुके थे कि डेट शीट आउट चुकी है। अब बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर प्लीज आप एक कंप्लीट डेट शीट बता दो एमईजी की, ताकि हम लोग इजिली उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर दें। एस आई एम हेयर टू टेल यू ईच एंड एवरी पेपर की प्रिपरेशन क्या होगी, प्रिपरेशन का नॉर्म क्या होगा, कैसे करना आपने। लेकिन फिलहाल यहाँ बात करेंगे किसकी, डेट शीट की बात करेंगे। डेट शीट किसकी, एमईजी वन और एमईजी टू नहीं, एमईजी फर्स्ट और फाइनल ईयर दोनों के लिए। अब कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सर ये 2020 वाले बच्चे, 2021 वाले या 2022 वाले के, इनके लिए डेट शीट है। 21-22 सेकेंड ईयर जिनका पेंडेड है भाई, ये तुम्हारे लिए डेट शीट है, इसको क्लियर कर लेना। और जिनके फर्स्ट ईयर के पेपर बाकी हैं, जिन्हें पेपर देने हैं, दोज हुआ इंटरेस्टेड टू गिव पेपर, ये डेट शीट उनकी भी है। ये डेट शीट उनकी भी है जिनके बैक हैं, जिनका पेपर बैक हो गया कि पेपर क्लियर नहीं हो पाया, चाहे 19 वाले चाहे 18 वाले, वो इस पेपर को क्लियर करेंगे। तो आपने कहा सर यहाँ से शुरू करते हैं डेट शीट, तो पहला पेपर कब से शुरू हुआ, मतलब फर्स्ट पेपर सर हमने कहा 8 मार्च को पहला पेपर होगा आपका। द वेरी फर्स्ट पेपर इज 8 मार्च। आप मुझे चाहते हो कि मैं डेट शीट बताऊं आपको फ्रॉम एमईजी 1 टू एमईजी 16, तो हम वैसे कह लेंगे, लेकिन पेपर 8 मार्च से शुरू है गाइस। आई रिपीट, 8 तो मार्च को पहला पेपर है एमईजी का, एंड दैट पेपर इज एमईजी 16। आई रिपीट, एमईजी 16। आपने कहा सर ये पेपर होगा हमारा कब, 8th ऑफ मार्च को। फिलहाल बात करते हैं सीधा एमईजी 1 पे आते हैं, सबसे ज्यादा अवेटेड पेपर है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी को लेकर टेंशन ले रहे हो। तो एमईजी 1 की बात करते हैं। द एमईजी 1 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th, नॉट गोइंग टू स्टार्ट, इज ऑन 25th ऑफ मार्च। आपने कहा सर 25 मार्च को है हमारा पेपर, ये सारे पेपर होंगे आपके आफ्टरनून में, टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा, आप हॉल टिकट निकाल सकते हैं बिफोर अ वीक आपको हॉल टिकट मिल जाएगी। कम अप टू एमईजी 2, ब्रिटिश ड्रामा की बात करते हैं, ये पेपर होगा आपको 26th मार्च। कॉन्टिन्यूशन में ही है, क्या बोलो 25, 26, 27, 27, ऐसा नहीं है, पहला 25, दूसरा 26, फिर आपको एक गैप मिला है 28 को पेपर आपका, दैट इज एमईजी 03। आप ब्रिटिश नॉवल की बात करते हैं, ये है 28th ऑफ मार्च को। Jump up to the next paper, aspects of language. The aspects of language is being stands on 29th of March. हाँ, ये 29th of March को stand करता है. Whereas we have the literary criticism and theory on 30th of March. Sir, March का महीना खत्म हो रहा है 31st को, तो 31st को हमारा पेपर है अमेरिकन लिटरेचर का, दैट इज MEG 06। तो आई होप यहाँ पे सारे सारे लिख रहे हैं, पीछे मैंने बोर्ड पे डेट शीट लिखी हुई थी बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैं नहीं डाल पाया। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के बीच में मैं आपको डेट शीट एड ऑन कर दूंगा ताकि आप आराम से देख लो। तो अभी तक हमने कौन कौन सी बात की, हमने की सर एमईजी 1 की, एमईजी 2 की, एमईजी 3, एमईजी 4, एमईजी 5, एमईजी 6, एमईजी 16 तो सबसे पहले कह चुका था, वो 8th तो मार्च को है। Jump to the next phase, that is sir MEG 07. MEG 07 है 1st April, look at it, 1st April को है हमारा MEG 07, Indian English Literature, one of the most important paper, अब वो तो 1st April को है। Then we have the paper MEG 08, and that is on 16th of March, New Literature in English, तो MEG 08 आपने बोला 16th of March को हमारा। And then we have MEG 09, sir इसको हम कब करेंगे, 17th of March को, ये पेपर है 17th मार्च। एंड देन वी कम टू एमईजी 10, दैट इज 19th मार्च, 11, 21st मार्च, 12, सर दैट इज कैनेडियन लिटरेचर, 22nd ऑफ मार्च। जम्प टू एमईजी 13, लिटरेचर फ्रॉम मार्जिन्स, यस लिटरेचर फ्रॉम द मार्जिन्स, दैट इज 23rd ऑफ मार्च। एंड देन वी आर हैविंग एमईजी 14, दैट इज 24th ऑफ मार्च। एंड द लास्ट पेपर एमईजी 15, 14th of March, yes 14th of March, तो उससे पहला एमईजी 16 जो मैं बता चुका था शुरू करते ही वीडियो को, दैट इज ऑन 8th of March। तो आपने कहा ये है स्लॉट जिसको लेके चलना है, एमईजी वाले तैयार हो गए, और एमएसओ, एमईसी, सर बड़े सारे कोर्सेज हैं, बीजी, बीएजी, अब ये सारे कोर्सेज की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, एक नो की वेबसाइट पे जाना है, मेन पेज पे जाएंगे, वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करना, उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा जाना है कहाँ पे, अपने कोर्स पे, वहाँ पे कोर्स की कंप्लीट डेट शीट आपके सामने आ जाएगी। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।